हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने चैनल में। दोस्तों, आज का जो एक्टिविटी होने वाला है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए बहुत बड़ा ग्रुप मेरे साथ आए हैं। आज हम निकले हैं बस टूर के लिए, नॉर्थ गोवा बस टूर के लिए। ठीक है, ये वीडियो में बहुत सारे प्लेस आपको घुमाने वाला हूँ, 5-6 प्लेस है और एक एक्टिविटी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो बने रहिए वीडियो में, नॉर्थ गोवा के बस टूर आपको पूरा घुमाता हूँ। तो आज भी अपना बस टूर जो है इंट्रोडक्शन और गोवा हिस्ट्री के साथ ही शुरू हुआ है। तो इसके साथ बस अपना निकल चुका है पहला प्लेस के ओर। पहला जो प्लेस होगा ये होगा अगवाड़ा फोर्ट। तो ये जो फोर्ट है नॉर्थ गोवा के बहुत ही ज़्यादा फेमस फोर्ट है। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको लगभग एक घंटे का टाइम मिलेगा और ये सारे व्यू आप एंजॉय करोगे। यहाँ पे ये फोर्ट है, यहाँ से आपको पूरा अरेबियन सी का व्यू देखने को मिलता है और ये साइड में भी एक अच्छा व्यू पॉइंट है। जहाँ से नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको डॉल्फिन क्रूज वगैरह होता है और ये साइड में अपना लाइट हाउस है, जो नया वाला लाइट हाउस यहाँ पे है। ये प्लेस है, यहाँ पे आपको दोस्तों एंट्री जो है 25 रुपीज पर पर्सन का एंट्री आपको पे करना पड़ता है। तो ये जो प्लेस है दोस्तों फोटोशूट के लिए बहुत अच्छा प्लेस है और यहाँ से जो आपको व्यू देखने को मिलता है गजब व्यू रहता है, आपको बिल्कुल विजिट करना चाहिए, मस्ट विजिट प्लेस है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, 9 बजे स्टार्ट होता है, जैसे थोड़ा टाइम होगा लोग यहाँ पे भरे देखेंगे आपको। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, आपको दिखाया, अभी बस निकला है सेकंड पॉइंट के लिए। सेकंड पॉइंट लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये सेकंड पॉइंट है रेसमागो स्पोर्ट। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे हो रहा है टिकट बुकिंग। पर पर्सन 50 रुपीज़ यहाँ का टिकट है, आपको यहाँ पे टिकट बुक करना पड़ेगा और इसके पीछे के साइड से आपको फोर्ट पे जाना पड़ेगा चढ़ के। बस यहाँ तक आपको ला के छोड़ेगा, यहाँ पे टिकट निकालने के बाद आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक नज़दीक एक चर्च है, चर्च आपको दिखाता हूँ, क्या सुंदर सा व्यू है। कॉर्नर में आप देख रहे हो, ये जो दिख रहा है आपको ये रेसमागोस फोर्ट है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है इसलिए मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर रेसमागोस फोर्ट का फुटेज देखना है तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक आ जाएगा, चेक कर सकते हो। अच्छा फोर्ट है, आपको जाना चाहिए और व्यू भी यहाँ से अच्छा आपको देखने को मिलता है। आप जाके वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। ये अपना थर्ड पॉइंट है, जैसे कि मैं आपको बताया था एक्टिविटी अभी होगा, एक्टिविटी टाइम। तो ये एक्टिविटी है गोवा में कश्मीर वाले फील का, स्नो पार्क का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये है स्नो पार्क गोवा में। हमारे बस के सारे जो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे टिकट है, टिकट बुकिंग काउंटर है, टिकट बुक करेंगे और आपको अंदर एंट्री मिलेगा। बस से आ रहे हो तो एक घंटे का टाइम यहाँ पे आपको मिलता है। तो अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको।
के बाद अभी बस रुका है लंच के लिए। यहाँ पे लंच होगा, लंच के बाद और भी प्लेस है आपको आगे दिखाने वाला हूँ। बस के जो टूरिस्ट है सारे लंच के लिए रुके हैं। ओके, खाना खाएंगे। उससे पहले आपको ये ट्रिप, ये जो टूर है इसके बारे में बता देता हूँ। ये है नॉर्थ गोवा का बस टूर। इसमें 5 या 6 प्लेस आपका इंक्लूड होता है, और जैसे कि मैंने आपको स्नो पार्क दिखाया, स्नो पार्क जो है एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। ये एक्टिविटी आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ पर पर्सन पे करना पड़ेगा। इसका जो प्राइस है 350 पर पर्सन सिर्फ बस टूर का है, और स्नो पार्क का 500 पर पर्सन है। उनका ऑफिस का GPS लोकेशन, वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। जाइए अली भाई से कॉन्टैक्ट करें और अपना टूर आप बुक करें। तो अभी हमारा है ये 4th पॉइंट, वागातोर बीच। आगे मैं आपको वागातोर दिखाता हूँ। पार्किंग में बस हमारा पीछे रुक गया है, पार्किंग एरिया में। नीचे जाना पड़ेगा स्टेप से। चलते हैं बीच में और आपको वहाँ पे दिखाता हूँ वागातोर बीच। वागातोर बीच का नज़ारा, यहाँ पे भी आपको लगभग 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये बीच दोस्तों बहुत ही सुंदर है, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा मिलता है आपको फोटोशूट वगैरह करने के लिए, और यहाँ पे सारे वाटर स्पोर्ट्स आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सारे वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हो। हालांकि बस टूर में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, एक्सप्लोर करने के बाद आपको रिटर्न जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है वेटिंग। ड्राइवर भाई साहब जो है कहाँ पे पता नहीं, सारे जो लोग है बस के आके वेटिंग पे है। तो हमारा वेटिंग खत्म होने के बाद अभी ये लास्ट पॉइंट है, ये है अंजुना बीच। अंजुना का रॉक बीच है, और इसके साथ ऊपर जो है मार्केट एरिया है। यहाँ पे आपको लाके लास्ट में छोड़ा जाएगा। आपको आधे घंटे से 40 मिनट्स का टाइम मिलता है, डिपेंड आपकी कितना टाइम बचा है। तो उसके अंदर आपको ये पूरा बीच आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। ऐसे जो पाथ है आप बीच के साइड में वॉक करोगे, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, और फोटो बहुत अच्छा अच्छा फोटोज यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। सो ये सारे एक्टिविटी पूरा दिन का होता है, पूरा दिन का एक्टिविटीज़। ये सारे जो मैंने आपको दिखाया, ये सारे करने के बाद आपको लास्ट में कलंगूट बीच पे ड्रॉप किया जाएगा। आपको जो भी कंफर्ट होगा वहाँ पे आपको ड्रॉप किया जाएगा। आपको अगर कलंगूट बीच में उतरना है तो वहाँ पे भी उतर के कलंगूट बीच एक्सप्लोर कर सकते हो, नहीं तो ड्राइवर आपको के होटल में ड्रॉप कर देगा। तो ये है कम्प्लीट नॉर्थ गोवा बस टूर मैंने आपको दिखाया। जर्नी के सारा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, और आप अगर चैनल में नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे। बाय बाय।